मेरे पास 3 फुट से लेके 10 फीट तक अवेलेबल रहता है, बीच का सभी साइज 3 फीट से लेके 10 फुट तक। जिसे 3 फीट की है तो होलसेल कस्टमर आता है तो कम से कम उसको एक 2000 से लेके 2500 तक का 10 फीट की मूर्ति लास्ट वाली, तो होलसेल के लिए समझो 14000 से लेके 15000 तक, रिटेल की कीमत अलग होती है। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या प्रत्येका ब्लॉगमध्ये। आणि आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण बघणार आहोत मित्रांनो, नांदेडमध्ये जे वसरणी आहे त्या भागामध्ये गणपतीच्या मूर्त्या तयार होणाऱ्या ज्या खूप मोठ्या मोठ्या फॅक्टरी आहेत, त्या फॅक्टरीमध्ये आपल्याला लहानात लहान मोठ्या ते मोठ्या सर्व गणपतीच्या मूर्त्या तयार करून मिळतात, तेच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जे बाजूचं बेल आयकन आहे त्याला ऑलमध्ये क्लिक करा। चला तर मित्रांनो, चालू करूया आजचा ब्लॉग, लेट्स गो। गणपतीचे जे साचे असतात त्या साच्यामध्ये गणपती जेव्हा तयार होते, तयार झाल्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी ते गणपती ठेवण्यात येतात। आणि आता सध्या जे पावसाचे वातावरण असल्यामुळं हे रॅप करून ठेवलेले आहेत, आणि इथं काय आपल्याला दिसाले यांना काय केलं जातं, गाड्यावरती ठेवून ते गाडा नंतर ज्याला गोडाऊनमध्ये नेऊन ते गणपती पूर्ण ठेवण्यात येतात, कलरिंगसाठी फायनल जे टचअप असते तिथं ठेवण्यात येतात। तर मित्रांनो, माझ्या पाठीमागं तुम्ही बघू शकता इथं चंद्र मूर्ती आर्ट आहे, आणि इतर काही गणपती जे आहेत ते तयार झालेले आहेत। आणि इथं बघू शकता तुम्ही काही गणपती जे आहेत तयार झालेले त्याला रॅप करून ठेवलेले आहेत, पाणी वगैरे पाण्यानं खराब होऊ नये त्यामुळे। आणि मध्ये बघूता मित्रांनो कशा कशा प्रकारचं काम चालू आहे, कसे कसे प्रकारचे गणपती आहेत ते सर्व आपण बघूत या। तर इथं बघू शकता सध्या कलरिंगचं काम चालू आहे। गणपतीची मूर्ती तयार केल्यानंतर त्याला कलरिंग वगैरे सर्व व्यवस्थित खूप बारीकीचं काम असते। नाजुकीचं काम असते, खूप काम वगैरे सर्व व्यवस्थित झाल्यानंतर त्याला रॅप करून इथं वरती ठेवण्यात आलेलं आहे, आपण बघू शकता। मित्रांनो, इथलं जे वर्कशॉप आहे चंद्रमूर्ती आर्ट, तिथले जे ऑनर आहेत त्यांच्याशी थोडी बहुत आपण माहिती घेऊ। नमस्कार सर। नमस्कार। चंद्रसिंह ठाकूर, वसरणी रोड, साईबाबा टेम्पल, नांदेड। ये जो मूर्ति है वो कितने साल से आप बनाते, मतलब इसमें कब से ये मूर्ति तैयार करने का काम करते आप? प्रोडक्शन होता है नवंबर से चालू हो जाता है, नवंबर से लेके दुर्गा देवी बैठने तक काम चालू रहता है।
मेरे पास 3 फुट से लेके 10 फीट तक अवेलेबल रहता है, बीच का सभी साइज 3 फुट से लेके 10 फुट तक। इसका POP जो होता है राजस्थान से आता है, और इसका जो काता लगता है नारियल का वो तमिलनाडु से आता है, और कलर बॉम्बे खरीदिए, बॉम्बे नांदेड़, नांदेड़ में यरमा ट्रेडर्स है उसके पास भी कलर मिलते हैं। ये मूर्ति, एक मूर्ति तैयार होने के लिए कितना टाइम लगता है? फिर POP की एक मूर्ति तैयार करने के लिए दिन में से 10-12 मूर्ति तैयार हो जाते हैं, एक नहीं 10-12 तैयार होते हैं POP में। तैयार मतलब वाइट, पेंटिंग के लिए समय बाद में 3 महीने पहले देते हैं हम। तो ये जो मूर्ति है इसके जो साइजेस बड़े बड़े, इसके प्राइजेस उसके हिसाब से रहते हैं कैसे? 3 फीट से लेके 10 फीट तक सबका प्राइस अलग अलग होता है साइज के ऊपर। जैसे 3 फीट की है तो होलसेल कस्टमर आता है तो कम से कम उसको 1-2 हज़ार से लेके 2500 तक का। 10 फीट की मूर्ति लास्ट वाली तो होलसेल के लिए समझो 14 हज़ार से लेके 15 हज़ार तक, रिटेल की कीमत अलग होती है। तो होलसेल का व्यापारी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख का माल उठाता ना। आपकी ये जो मूर्तियाँ है जो आप यहाँ पर तैयार करते हैं उसको, ये लोकल जो सिटी है यहीं पे सेल होते हैं या बाहर भी जाते हैं? नहीं नहीं, हमारा 99% तेलंगाना, AP और तेलंगाना में टोटल हमारा होलसेल जाता है। 5% नांदेड़ में जितने भी गोडाउन है 5% सिर्फ नांदेड़ के लिए माल रहता, 5% टोटल नांदेड़ का, मेरा ही नहीं टोटल नांदेड़ का। इसी के आपने बताया कि ज़्यादातर 95% जो है पूरा बाहर जाता है तेलंगाना साइड में, तो ये नांदेड़ में जो मार्केट में जो गणपति बेचने के लिए सेल करने गए आते वो यहीं से नहीं आते, मतलब बाहर से आते? नहीं, रिटेल काउंटर के लिए नांदेड़ से भी आते, और तुम्हारे जैसे पिंपड़गांव हो गया, छोटा मूर्ति नगर हो गया, तुम्हारे लोहा हो गया, अर्धापुर हो गया, और प्रॉपर नांदेड़ के भी मूर्तियाँ यहाँ लोकल मार्केट में रहते रहते रिटेल काउंटर के लिए हम भी देते हैं लोकल वालों को नांदेड़ में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा माल अपना तेलंगाना में आता है और आंध्र प्रदेश में। नांदेड़ में जो माल रहता प्रॉपर नांदेड़ का भी रहता। 5% मूर्ति बोले तो कम से कम 5-6 हज़ार मूर्ति नांदेड़ में रहते नांदेड़ वालों के, वो रिटेल काउंटर होता हूँ। और ये हर साल अलग अलग डिज़ाइन में आते? हर साल अलग अलग वैरायटी की मूर्ति मंगाना पड़ता है, क्यों तो एक ही मूर्ति चलाएंगे तो ना व्यापारी लेता ना रिटेल काउंटर वाले लेते, सभी को अलग अलग चाहिए हर साल। और इसका खर्चा कम से कम, नहीं नहीं बोले तो हर कारखानेदार को 20 लाख 25 लाख, कम से कम 10 लाख साचों का खर्चा आता है हर साल डाई बनाने का हर साल। चंद्र आर्ट, चंद्र सिया ठाकुर, कॉन्टैक्ट नंबर 9890000341।